head into Sri Yogi Narayan Temple. See you there. We are going to Sri Yogi Narayan Temple, and this is where Shivji got married to Parvati, and hence the importance of this place. गणेश भगवान नहीं थे उस टाइम, ठीक है, तो विष्णु भगवान को साक्षी मान के शिव पार्वती की शादी हुई थी यहाँ पे, क्योंकि गणेश भगवान थे नहीं उस, तो इसीलिए ये मंदिर वहाँ पे अखंड है। ये सतयुग में अपने आप जलती थी, तो कलयुग में इसमें लकड़ी डालनी पड़ती है। ऐसा है कि वो धुनी जो है, कहते हैं शंकर और पार्वती की शादी की विधि है वो, वो फेरे वहीं पर हुई है। इसका मतलब है सतयुग से चला था, सतयुग, द्वापर युग और त्रेता युग, और अभी कलयुग में कलयुग है, और अभी तक पहले से वैसे चल रहा है। पहले से जैसे आप आ गए तो आपने लकड़ी का पैसा दे दिया, वो जलता जाएगा। जब जाड़ों में कोई नहीं रहेगा तब हम जलाएंगे। मंदिर की सेवा में तो हो गया 50 साल। ऐसा है, परिवर्तन है सब, जो पहले का जमाना था वो आज नहीं रहा। पहले श्रद्धा थी लोगों के ऊपर, और अब लोग आ रहे हैं जा रहे हैं, कोई श्रद्धा नहीं। अब बात यह है, यहाँ पे शादी होती है, बहुत लोग आते हैं शादी के लिए यहाँ पे। अभी लॉकडाउन की वजह से शादी वाले नहीं आ रहे हैं, लेकिन यहाँ पे एक दिन में 10-10 शादी हो जाती है। तो यहाँ के चार कुंड है, ये ब्रह्म, रुद्र, विष्णु, सहस्र कुंड है। ये दोनों नहाने के कुंड है, बाकी उसमें आचमन करते हैं। ओम अच्युताय नमः, केशवाय नमः, माधवाय नमः, गोविंदाय नमः, जय हो, उसमें तर्पण देते हैं। ये यहाँ पे गणेश भगवान जी हैं, ये भैरवनाथ जी है, ये अन्नपूर्णा सदा पूर्ण शंकर प्राण बल्लभ ज्ञान वैरागी सिद्धार्थम विचानी माँ पार्वती, ये हैं, ठीक है। यहाँ पे ईशानेश्वर है, तो यहाँ पे बजरंगबली जी है। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाथं सुरेशं विश्वाधरं गगनसदृशं मेघवर्णं सुवांगं लक्ष्मीकांतं कमलनयनं योगविद्यानगंधं वंदे विष्णु भवयं सरलोकेकनाथं मंगलं भगवान विष्णु मंगलं गणद्वयं मंगलं पुंडरीकाक्षाय मंगलाय तनोहरि। नारायण भगवान की जय। I still remember sitting near the Hanuman temple, sitting still. Time had slowed down for me. I felt as if I was carrying so much of peace within my mind from this visit. We were now heading to Badrinath Dham the next day.